गाइस अब डिनर ऑर्डर हो रहा है और हम लोग आ चुके हैं बहुत ही प्यारे बहुत ही क्यूट से रेस्टोरेंट में। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, लाइट्स है काफ़ी अच्छी और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। ये इन्होंने सेटअप करा है नीचे और इनका है एक सेटअप जो ऊपर है डाइनिंग का। ये भी एक छोटे से कंपार्टमेंट्स वाला सेटअप है। गाना चला देते भैया। ये सॉन्ग मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपने प्यारे पति विशाल चौधरी के लिए। अरे वाह, वो है पॉपकॉर्न से। ये मौसम के साथ सूट कर रहे हैं। बारिश हो गई यार, वाह। फिल्म देखने आए क्या? मॉर्निंग विशाल भैया। गुड मॉर्निंग। सो भैया लोग काफी जल्दी रेडी हो चुके हैं। टाइमिंग बता दो आज आप। कल हम 11 बजे रेडी थे, अभी क्या टाइम हो रहा है? 1:30 बज गए हैं और अभी तक हम लोग निकल नहीं पाए हैं। अगर दिखाइए। हाँ जी। तो गुड़िया दीदी भी पैकिंग कर रहे हैं। ये एक बैग जिसमें एक लाश है। तो आज की शुरुआत हो चुकी है और ये है हमारा गेस्ट हाउस जहाँ हम लोग रुके थे। तो कल था नाइट व्यू एंड दिस इज मॉर्निंग व्यू। इसके आसपास काफी सारे पेड़ हैं, नर्सरीज हैं और लोगों ने किचन गार्डन बनाया हुआ है। और ये है स्टे का जो कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स टाइप के घर हैं। यहाँ पे भी कल गेस्ट रुके थे तो हम लोग को ये नहीं मिल पाया था। तो आज है अच्छी खासी धूप, इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा जैकेट वगैरह नहीं पहने हुए हैं। बट आगे हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ। हम लोगों ने सारे जैकेट वगैरह हाथ में रखे हैं कि अगर ठंडा वंडा हो जाए तो सीधे पहन लें। पर ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत ठंड तो नहीं पड़ने वाली है। ऊपर में बर्फ़ वगैरह पड़ चुकी है मनाली शिमला में, यहाँ कुछ बर्फ़ नहीं पड़ी और हम लोगों ने बोला कि मैं बर्फ़ दिखाने ले चलें, बट एज यूजुअल किसी ने हमारी नहीं सुनी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट इनका है स्नीकर्स और लंच में ये खाएंगे स्नैक है। लंच में डेरी मिल्क, लंच में उसका। So guys, अभी यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊं कैसे दिख रहा है छोटू सा। तो इनका पैराशूट यहाँ पे एक का डिस्टर्ब हो चुका है और काफी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। मैंने ऑलरेडी पैराग्लाइडिंग करी हुई है, मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं इन लोगों को भी बोल रही हूँ कि आप लोग ना करें। अभी विशाल भैया क्या आप जाओगे पैराग्लाइडिंग के लिए? सिद्धार्थ आप ऑब्वियसली जाएंगे। ऑब्वियसली अरे कैसा हुआ है यार, इसका पैराशूट खराब। इधर लैंड कर रहा है जैसे नॉर्मल पैराशूट ऐसा होता है, देखना। हाँ जी, नॉर्मल पैराशूट ऐसा होता है, इसका ऐसा हो गया है। ऊपर चलते हैं, बिलिंग देख के। भैया आप टेंशन मत लो, हम आपको तब तक पूरा डीमोटिवेट कर देंगे। उधर ना चिड़िया उड़िया भी उड़ रहे हैं वहीं पे, वो मार दे चोंच तो। अरे नहीं मारेंगे, पकड़ लेंगे। डीमोटिवेशन चालू है। तो अब हम लोगों का ब्रंच होगा और हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट करा है। हाँ। आपको कैसे लग रहा है ट्रिप में? ठंड लग रही है। जैसे गाथा शुरू हो चुकी है, इलेक्ट्रिकल्स वाले अपना सामान लेकर। हमारे पास तो थाली नहीं है। पैकिंग में कोई कमी थोड़े ना है। थोड़े से रोमांटिक सीन्स।
इससे ज्यादा व्यूज आते हुए। वो है इम्पोर्टेंट है तेरी लाइफ यार। अरे तो सरदार तुम करोगे पैराग्लाइडिंग? बिल्कुल भी नहीं भैया, मैं ना करना, फॉर्म फूम सा है। दीदी आप? मैं तो बस फॉर्म से डाइसी है अभी आपका थोड़ा 50-50 डाइसी और विशाल का भी मैं डाइसी रखूंगी। ये कैंप रूम में मैं बस फॉर्म 16 भरता हूँ, उसके अलावा मैं कोई फॉर्म पे साइन नहीं करूँगा। करवाते हैं फॉर्म साइन पैराग्लाइडिंग में, वहाँ नकुचिया ताल में तो करवाया था। गाइस यहाँ पे हम पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं, बहुत खौफ बना हुआ है, डर के मारे दीदी के आंसू निकल आए हैं। दीदी कोई दिक्कत नहीं है, डर के आगे जीत है। अल भैया वो परफॉर्म करेंगे, अरे 500 रुपए ले लो, मुझे नीचे उतरवा दो यार। लाइट करवा दो, यही देखने का मजा है बस। क्या बर्फ पड़ी है देखो पहाड़ों पे, सारे कवर्ड है। ये भी पटियाला से हम आ जाया करेंगे कभी कभी, बर्फ पड़ती चल देंगे। हमें क्यों नहीं ये बर्फ दिख पा रही है? तो आज दीदी ने 3 घंटे लगाए हैं किस चीज में? मेकअप मेकअप जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, झूठ है, झूठ है, बिकॉज़ आई एम द ओनली वन जो आज नहाया है। और अब हम लोग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे, नहीं अभी तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो हम पूरा मुर्गा नहीं, मुर्गा नहीं, बकरा तैयार कर रहे हैं, पहले खिलाएंगे और उसके बाद ऊपर हवा में भेजेंगे। बकरी भी घूमते घूमते तैयार होके नीचे, और सब निकलेगा वॉमिटिंग के फॉर्म में। पैराग्लाइडिंग का थोड़ा डाइसी हम लोगों का, मेरा तो हमारे पास एक शॉर्ट शॉर्ट कैंडिडेट आगे बैठे हुए हैं। डाइसी के लिए डाइस फेंक देंगे एक बार। तो करके आएंगे, मैं आप लोगों को इनका जो एक्सप्रेशन है, हाँ एक्सप्रेशन और उनका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करके बताऊंगी। ऐसा हो गया तो क्या पता लगा पैराग्लाइडिंग करते आए और हम एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस के वाक। हम लोग आ चुके हैं अभी एक रेस्टोरेंट में ब्रंच करने, और ये सामने पेड़ जहाँ पे वो खड़ी हुई है एस्क्रॉस चल रही है, तो एरिया काफी एस्क्रॉस है, एस्क्रॉस के पास खड़ी है। नैरो रोड आप लोग आ जाओ, कैफे खुला हुआ है। ये कैफे का नाम वैसे है पार्वती, पार्वती संस्कृत पर्वत, पर्वता होगा वो, पर्वत होगा। इन्हें हमें तब से पार्वती नानी का घर लग रहा है तो मुझे अपनी। ओनर फॉर दिस रेस्टोरेंट, अंकल आपने बहुत ही अच्छे से डेकोर करा हुआ है इस रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, और आप लोग देख सकते हैं सो क्यूट। तो हम लोगों को अब स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लग गए हैं, और यहाँ चल रही है ऑफिस की मीटिंग। और हमारी गाड़ी चल रही है, दो दो लोगों की ऑफिस मीटिंग, ये 3-4 फेस्टिवल्स लोनी है, मकर संक्रांति। तो हम लोग आ चुके हैं बैचनाथ के टेम्पल पे, और अभी पार्किंग में हैं और बस अंदर जाएंगे, फिर अगर वहाँ पे कैमरा अलाउड होगा तो हम आपको भी दर्शन कराएंगे, वर्चुअल दर्शन, और नहीं होगा तो मन में हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को याद करिए। बात कर लो कि वो क्या है,
क्या। प्रसाद ले लिया गया है अंदर चढ़ाने के लिए। एक सिद्धार्थ के हाथ में दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है, बहुत ही ठंड है। हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला से लिए, तो ये है मेन मार्केट बीरगी, जहाँ पे काफी रौनक वौनक थी। और हमें लग चुका है टीका मंदिर से आते हुए, वहाँ फोटोग्राफी ज्यादा कर नहीं सकते थे तो मैं आपको ज्यादा कुछ वीडियो में दिखा नहीं पाई। हम तो इन लोगों के अमेरिका में अगस्त की भी तो एक्स्ट्रा है शायद। आ चुके हैं अब पालमपुर, यहाँ पे रह रहे हैं हमारे पापा। पापा पालमपुर में सिद्धार्थ कितने साल रहे हैं? पापा 6 महीने। तो यहाँ पे हमारे पापा जी 6 महीने रहे हैं। क्या पता वो इन्हीं रोड में घूम रहे होंगे कभी, जहाँ आज हम हैं। सिपाहियों भैया, आपने तो हमारी वाट लगा दी, कितने ऊपर है। हवा कैसी चल रही है? हवा कैसी है? गॉड, हम आ चुके हैं। और मनविका दीदी क्या हालत है आपकी? तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे कैंप्स जहाँ आज हम रुकेंगे, पर हमारी जान निकल चुकी है। आप लोग देख सकते हैं। सिद्धार्थ, कैन वी सी योर फेस? घायल हो चुके हैं लोग। मत आना यहाँ, ऐसी जगह चाहिए। यहाँ कदम रखते रिकमेंड कर रहा हूँ, मत आना। सो ये है हमारा आज का रूम और स्टे। ये हमारे साथ है टीना। टीना हेलो, वो रह रहा होगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं। ये इधर बेड, चार्जिंग पॉइंट। निकलते निकलते हमारी तो जान। हाँ, पूरा बनाया लॉक। ये है वॉशरूम, बहुत ठंडा है। गीजर बाकी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। पर गाइस, आप हमारा लुक देख सकते हैं। मैंने आज 6 कपड़े पहने, 6, और हाथ पूरे जम चुके हैं। वही आओगे दोबारा? दोबारा नहीं, फर्स्ट टाइम बड़ी मुश्किल से आई हूँ यार। बीच में मरना पड़ रहा था, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज्ड टू कम। अच्छा, वही रहे थे हम? थुक्पा और मोमोज ही खाए। अरे मालूम है, पिज्जा भी खाया? नहीं, वहाँ नहीं गए। वहाँ आ रहा जाके मन लग गया, फिर हमने ब्राउनी खाई वहाँ पे और पराठा भी खाया, जो मतलब ऑप्शन टेस्ट करने के थे। दो तीन क्या? यहाँ तो हवा चल रही है, हवा लगेगी रात भर यार? नहीं, कोई हवा नहीं लगेगी। इसमें बंद है ये आ रही है तो हवा चलेगी भाई आज रात। तो हम लोग आज करने के लिए, और आप लोग आज कल आज मेरा एनिमल शो है स्कूल में। आज वीडियो बज रही है, ये ब्लॉग का गर्म लग गया है और ठंडा हो गया था। फोन कर रहा था, मामा का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? ओहो, नमस्ते मामा।
क्या कुछ नहीं कह रहा, आप बताओ क्या हो रहा है, या मेरा ब्लॉग बन गया है। कॉल फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है और भैया कितना ठंडा हो रहा है यार, बर्फ क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि हम जिंदा घर लौटना चाहते हैं। So guys, मैं बन चुकी हूँ शेर और आप क्या बने? क्यूट। क्यूट क्या क्यूट? एनिमल में मेरा परफॉर्मेंस है, मैं कैसे एक्टिंग करूंगी शेर की? हम थोड़ा ठंड से बचने वाले ठहरे ठहरे मैं शेर का कैसे एक्ट करूं? ये शेर नहीं, तुम बाघनी बनी हो। बाघनी से यार पहाड़ी लोग क्या क्या बोलते हैं, एक दो वर्ड बता दो। दोतियाल और गुचेड़ देंगे। गुचेड़ नहीं है तो कुछ और है, मैं कुछ भूल गई हूँ। गदुआ ऐसे पूछे वाले नहीं, नहीं, नहीं ये चेंज हो गया। मनविका दीदी इधर आओ। तो अब हम लोग आग वाग सेक रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ठंड में। जो कि इसी रिजॉर्ट दोबारा से बोलो गाइस, अभी आ चुका है फ्रूट चाट। बहुत आवाजें आ रही है पीछे से, बहुत टेस्टी है, पर मैं आपको बता नहीं सकती, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला हुआ है इन लोगों ने। भैया ने आग जला दी है, बहुत अच्छी लगे रही है भैया। गाइस ये है यहाँ का नजारा, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग रहे हैं सो, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी बढ़ चुका है। कल हमें सुबह निकलना है घूमने के लिए, तो अब हम लोग आपसे मिलेंगे कल को। और अभी के लिए बाय, सी यू, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग।